लोकल पुलिस द्वारा जो टनल में लोग फंसे हुए हैं उनको बचाने की कार्रवाई प्रचलित है। टनल के मुंह तक पोकलिंग मशीन पहुंच गई हैं, मलबा हटाया जा रहा है। मलबा हटाने में जितना समय लगेगा उसके पश्चात ही हम लोग सर्वाइवर्स तक पहुंच सकते हैं। क्या बताया जो लेटेस्ट है, हमारे पास 18 डेड बॉडीज जो है वो रिकवर कर ली गई है। उसके बाद 30 से 35 लोग जो हैं वो टनल में फंसे होने की संभावना है, जिनको निकालने की प्रक्रिया प्रचलित है। कुल मिसिंग की संख्या इस वक्त 202 है, जो सभी गांव जो आसपास हैं उन गांव से, और साथ साथ जो हमने कंपनीज वहां पर कार्यरत की उन कंपनी की वर्कफोर्स। तो हमारे पास 202 लगभग मिसिंग है, जिसमें से 18 डेड बॉडीज जो हैं रिकवर कर ली गई। देखिए, SDRF के लगभग 100 कर्मचारी इस वक्त चमोली में जोशीमठा तपोवन में हैं, जो विभिन्न गाँव में, और साथ ही साथ SDRF की 5 से 6 टीम्स रिवर साइड पर बॉडीज़ के सर्चिंग के लिए कार्रवाई कर रही हैं। आज सुबह से ये सारी टीम्स कार्य कर रही थी, हमारा चमोली से लेकर श्रीनगर तक के एरिया को कवर किया है। उसके बाद कुछ टीम्स को गांव में भेजा गया है कि गांव में किसी प्रकार की जनहानि या लॉस ऑफ प्रॉपर्टी हो या किसी प्रकार की और समस्या आ रही हो उसके संदर्भ में जानकारी एकत्रित करने के लिए, और कुछ टीम्स हमारी टनल पे उतरने का कार्य कर रही है। वैसे ही NDRF की टीम्स आज सुबह गाजियाबाद से फ्लाई करके पहुँच गई हैं, और जोशीमठ पहुँच कर उन्होंने भी वहाँ पर अपना कैंप स्थापित कर लिया है। ITBP और आर्मी कल से ही SDRF और लोकल पुलिस के साथ वहाँ पर कार्य कर रहे हैं।